है जिसमें उनके परिवार के सदस्य मुख्यतः पार्षद रहे हैं। नमस्कार, मैं कामशी शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है पूर्व पार्षद उमर कौशल जी। जाना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के लिए इन्होंने काफी वर्षों से यहाँ से बढ़त लाई है, वही यह दावेदारी भी करी है मेयर की, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जी मैम, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जाना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से आपने लगातार कई वर्षों से कांग्रेस के लिए टूटीगंडी वार्ड से बढ़त दिलाई है, ऐसे में आप दावेदारी भी करिए मेयर के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद आपका, और मैं धन्यवाद अपने मुख्यमंत्री का भी और रानी साहिबा का भी करना चाहूंगी कि जिन्होंने हमें टिकट देके यहाँ से यहाँ भेजा है। और उसके बाद मैं अपनी जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग व समर्थन दिया है। यदि बात की जाए जिस तरीके से अनंत कौशल या अमर सिंह कौशल, यदि बात की जाए अनिता अनोट भी यहाँ से चुनाव लड़ी है, उसमें भी आपके परिवार का काफी सहयोग रहा, और कितने वर्षों से लगातार आपने टूटीगंडी वार्ड के लिए यहाँ से कांग्रेस के लिए जीत दर्ज कराई है? 35 हो गए हैं वर्ष हमारे, और ये आठवां मेरा शुरू हुआ है, तो शुरू से 86 से लेके बड़े भाई साहब ने दो टेन्योर निकाले हैं। यदि बात की जाए उमा कौशल जी, जिस तरीके से लगातार, ये तो स्पष्ट रूप से है कि जैसे इंडिया न्यूज से भी बातचीत के दौरान सांसद व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि महिलाओं को मेयर या डिप्टी मेयर से एक पद दिया जाएगा, ऐसे में यदि आपका नाम नहीं आता तो आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? ऐसा तो नहीं मैं सोच सकती कि वो लोग इस तरह से हमारे साथ करेंगे। एक ये टूटीकंडी वार्ड ऐसा है कि जहाँ लगातार 8 ये वार चुनाव लड़ा गया है, और 8वां वार जो है हमने अपनी दी है निकाल के इनको सीट। तो अगर ये ऐसा सोचते हैं तो ये इनकी मर्जी है, बाकी हम तो चाहते हैं कि हमारे वार्ड की जनता चाहती है कि इस बार जो है मेयर का पद जो है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें नगर निगम में 21 महिलाएं जो है वो चुनकर आई हैं, तो मेजॉरिटी में देखा जाए तो लेडीज का हक ज्यादा बनता है। ये थी उमा कौशल जी जो कि अभी जीत के आई है और तीसरी इनकी जीत है कौंसिल में, और लगातार यदि बात की जाए 35 वर्षों से लगातार टूटीकंडी वार्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कांग्रेस को